जब भी कार्टून्स का नाम आता है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले बच्चों की इमेज आती है, क्योंकि कार्टून्स स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और बच्चे ही कार्टून्स को सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी कार्टून्स में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, जैसे कि ड्रिंकिंग, वायलेंस और न्यूडिटी। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे कार्टून्स और एनिमे से दूर रखें जो आप आज की इस वीडियो में देखने वाले हो। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक के जरूर देखते रहना। टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी का नाम सुनकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि टॉम एंड जेरी तो एक बहुत ही फनी कार्टून है, वो इस लिस्ट में कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि टॉम एंड जेरी का पूरा शो चूहा और बिल्ली की लड़ाई पर बेस्ड है। इस शो में टॉम और जेरी एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग तरीके से एक दूसरे को मारते हैं, जिसे अगर एक छोटा बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे इस कार्टून को देखकर उसे रियल लाइफ में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर से ऐसे कई केस सामने आते हैं जब बच्चों ने टॉम एंड जेरी को देखकर उस शो को रियल लाइफ में परफॉर्म करने की कोशिश की, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सर पर हथौड़ी से मार दिया था। इसलिए अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसे ये कार्टून ना दिखाएं। साथ ही इसके अलावा टॉम एंड जेरी के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जिनमें ये कैरेक्टर ड्रिंकिंग करते हुए नजर आते हैं, और आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे ड्रिंकिंग करना सीखें। साथ ही साथ कुछ एपिसोड्स में गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि बच्चों के लिए सीखना बहुत ही बुरी बात है। इसके अलावा टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड में ये दोनों ट्रेन की पटरियों पर सुसाइड करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप ही सोच सकते हो कि ये सब चीज़ें आपके बच्चे के दिमाग पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं। इन सभी के चलते टॉम एंड जेरी के कुछ एपिसोड्स को सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैन कर रखा है, जिसमें से सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें कैरेक्टर शराब और स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं। फैमिली गाय। फैमिली गाय को अगर दुनिया के सबसे वाहियात कार्टून्स में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कार्टून में कई तरह की गंदगी भरी पड़ी है। इस कार्टून में इतनी गंदगी है कि इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है। इस शो में बहुत से सेक्सुअल सीन्स भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा गाली बकना तो इसमें एक नॉर्मल बात है, इस कार्टून में बिना गाली के तो बात ही नहीं करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कार्टून शो में अलग अलग धर्मों का मजाक बनाया जाता है, जिसके चलते इस शो को इराक और ईरान जैसी कंट्री में कम्प्लीटली बैन कर रखा है। इसमें गे कैरेक्टर भी दिखाया गया है जो कि बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकतें करता है। इसके अलावा इसमें बहुत से सीन हैं जिनसे बच्चों को दूर रखा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इनसे बच्चों के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। कूल वर्ल्ड। कूल वर्ल्ड एक ऐसी मूवी है जिसमें इंसान और कार्टून दोनों को एक साथ बताया गया है। इसमें 1940 के टाइम का अमेरिका दिखाया गया है और इसमें बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स और डांसर दिखाए गए हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मूवी हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम कूल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट से बहुत सिमिलर है, लेकिन इसमें अलग ये है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक कैरेक्टर दिखाई गई है जो कि बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहने हुई होती है, और इस कार्टून कैरेक्टर के इंसान के साथ बहुत एडल्ट सीन्स भी हैं जिसे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। निंजा टर्टल्स। निंजा टर्टल्स दुनिया के सबसे पुराने कार्टून्स में से एक है। इस शो को सबसे पहले 1984 में बनाया गया था, जिसके बाद देखते ही देखते ये कार्टून पूरी दुनिया में फेमस हो गया और इसकी कई 3D एनिमेटेड मूवीज भी बनाई गई। लेकिन इस शो में कई ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस और कुछ अजीब हरकतें हैं, जैसे कि इस एपिसोड को देखिए जो कि टीवी पर 12 साल तक बैन रहा। ये एपिसोड 2003 का है और इस एपिसोड का नाम इंसेन इन द मेम्ब्रेन था। इस एपिसोड से बैन हटने के बाद इसे निकटून्स पर 2015 में दिखाया गया, और इसे देखकर आप ही समझ सकते हो कि इसे बैन क्यों किया गया था। इसमें डॉक्टर स्टॉकमैन को एक मॉन्स्टर में बदलते हुए दिखाया गया है, जिसमें उनकी उंगली कटकर ज़मीन पर गिर जाती है, साथ ही साथ इनकी जॉ भी कटकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर कई बच्चे हफ्तों तक डरे रहे। उन्हें अजीब अजीब तरह के सपने आने लगे क्योंकि बच्चे इस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके अलावा 1987 में एक एपिसोड दिखाया गया जिसमें अप्रैल ओनिल को मॉन्स्टर की टीम किडनैप कर ली जाती है और उसे एक कुर्सी से बांध कर रखते हैं, और अप्रैल को बचाने के चक्कर में माइकी नाम के टर्टल कुछ ज़्यादा ही टची हो जाता है, और आप ऐसे रस्सी खोलते हुए देख सकते हो कि ये बार बार एक ही पोजीशन में अपने हाथ को ले जा रहा है।
शिनचैन। शिनचैन हमें से बहुत से लोगों का फेवरेट एनिमे होगा और खासकर बच्चे से देखना बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन शायद आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये एनिमे बच्चों के लिए है ही नहीं। इस एनिमे को स्पेशली एडल्ट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो एडल्ट्स इस एनिमे को देखते हैं वो ये बात जानते ही हैं कि इस शो में शिनचैन कैसी कैसी हरकतें करते हुए नज़र आता है। ये अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, अपने मेल क्लासमेट्स को किस करता है, और ये ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ही अपनी चड्डी उतारने के लिए तैयार रहता है। वेल, इंडिया में तो ये सब कुछ बहुत एडिट करने के बाद दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप इसे ओरिजिनल जापानीज या फिर यहाँ तक के इंग्लिश में भी सुनो तो आपको इसमें बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी और ऐसे ऐसे जोक मिलेंगे जो एक 5 साल का बच्चा कर ही नहीं सकता। और इसे दिखाना बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप जानते हो कि बच्चों का नेचर कैसा होता है। वो जिस चीज़ को भी देखते हैं उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दुनिया भर से ऐसे कई केस सामने आए जब बच्चों ने शिनचैन को देखकर अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जैसे कि शिनचैन कई एपिसोड्स में अपने माँ और बाप का भी नाम ले लेता है। मिर्ची नाने से पहले मैं कुछ खाना चाहूंगा। इन सब चीजों को देखकर जब पेरेंट्स ने इस एनिमे की शिकायत करना शुरू की, तब 2008 में शिनचैन को इंडिया में बैन कर दिया गया था। मेरा नाम है हिमेनो हिमेको। स्वीट नेम, स्वीट नेम। तुम अभी तक कुंवारी हो ना? हाँ, अभी तक तो कुंवारी हूँ। गुड, वेरी गुड। लेकिन इंडिया में शिनचैन के कई फैन बन चुके थे, इसलिए लोगों ने इसे अनबैन करने की डिमांड करना शुरू कर दी, जिसके चलते 2009 में इस एनिमे को बहुत एडिट करने के बाद अनबैन किया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। डोरेमोन। डोरेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसे हम सब ने शायद ज़रूर देखा होगा, और कुछ लोग तो इसे आज भी बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आपके इस फेवरेट शो में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डोरेमोन में कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जिसमें फीमेल कैरेक्टर को बहुत ही कम या बिना कपड़ों को भी दिखाया गया है, जो कि पूरी दुनिया में बैन है। इसके अलावा ये शो 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में बैन है, जिसमें फ्रांस, चाइना, इसराइल, USA, सऊदी अरेबिया, पेरू, अर्जेंटीना, मेक्सिको, रशिया, इराक और ईरान जैसी कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ का ये मानना है कि ये शो छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नोबिता हर काम के लिए डोरेमोन पर डिपेंड रहता है और अपना कोई भी काम खुद से नहीं करता। ये हमेशा खेलने कूदने में और सोने में लगे रहता है और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इन कंट्रीज़ के अनुसार ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए इन सभी कंट्रीज़ ने इसे बैन कर रखा है। दोस्तों, इन सभी शोज में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।